अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं दादा दादी और नाना नानी, और ख़ास तौर पे दादी और नानी बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा चाहती हैं और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती हैं। और आज जिस मशहूर अदाकारा की मैं बात कर रही हूँ, वो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत मशहूर नानी और दादी थी, और वो थी लीला मिश्रा। दादी माँ, तुम बच के रहना। क्यों? तुम कोई किसी से कम सुंदर थोड़े ही हो। ये देखो। आ, लिपस्टिक लगा, लिपस्टिक लगा। दादी माँ, क्या कर रही है? 1 जनवरी 1908 में पैदा हुई थी लीला मिश्रा यूपी के एक गांव में, एक बहुत ही अमीर और रईस खानदान में। उनके वालिद जो थे, यानी पिता जो थे, वो बहुत बड़े ज़मींदार थे। और हम आपको ये भी बता दें कि पुराने ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा दकियानूसी होते थे, यानी ऑर्थोडॉक्स पुराने ज़माने के थे, इसलिए लड़की को पढ़ाने लिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लीला मिश्रा सिर्फ 12 साल की थी तो उनकी शादी कर दी उनके माँ बाप ने। और आपको सुन के हैरत होगी कि 17 साल की उम्र में वो दो बेटियों की माँ भी बन गई थी। कहते जाओ, जो जी में आए कहते जाओ, लेकिन याद रखो, औरत न होती तो दो वक्त पति पकाई भी न खाते। लीला मिश्रा के पति का नाम था राम प्रसाद मिश्रा, और वो बहुत आजाद ख्याल थे और एक्टर भी थे, और उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी मामा शिंदे से। और मामा शिंदे जो थे, वो दादा साहब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम करते थे। उन्होंने मिश्रा जी से कहा कि भाई, तुम तो एक्टर हुई, और मैं जब भी तुम्हारे घर में आता हूँ जाता हूँ तो भाभी जी को देखता हूँ, वो मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलवाती हैं, और जब वो बोलती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, तुम दोनों फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? पहले तो मिश्रा जी ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में राज़ी हो गए। दोनों ने एक फिल्म में काम किया, और उनकी पहली फिल्म का नाम था सती सलोचना। उस फिल्म में मिश्रा जी ने रोल किया था रावण का, और लीला मिश्रा ने रोल किया था उनकी बीवी मंदोदरी का। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि लीला मिश्रा को उस फिल्म में काम करने के 500 रुपये मिलते थे और मिश्रा जी को सिर्फ 150 रुपये। और इसकी वजह ये थी कि उस ज़माने में औरतें फिल्मों में काम नहीं करती थीं, बहुत मायूब माना जाता था, लोग अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए जब भी जो भी औरत उस जमाने में फिल्म में काम करने के लिए आती थी तो उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे। ये क्या भाभी, नौकर सब क्या हुए? क्या पता कहाँ मर गए हैं सबके सब, सारे घर का काम तो मुझे ही करना होता है। नहीं, मैं पहुंचा। बस बस, ये लार तो उसे लड़ाओ जो रानी बनकर बैठी है। मैंने 70s के दौर में जब लीला मिश्रा का इंटरव्यू लिया टेलीविजन पे, तो उन्होंने बताया कि बेटा, जब मैं फिल्मों में काम करती थी तो मैं हीरोइन थी। पहली बार हीरोइन बनी तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मेरी परवरिश, मेरी तरबियत जिस माहौल में, जिस परिवार में की गई थी, वो ऐसी नहीं थी कि मैं बहैसियत हीरो किसी गैर मर्द को छूं और मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। ये मेरी अंतरात्मा ने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं हीरोइन वगैरह कभी नहीं बनूंगी, और मैं करेक्टर रोल्स करने लगी। और बताओ कैसे हो? बस ठीक ही हूँ। नैन्सी के लिए कोई लड़का मिला? हाँ, एक मिला है। अच्छा, कैसा है लड़का? लड़का तो अच्छा है, मिलनसार, नेक, यहाँ आता भी है। कितने दिनों से पहचाना? 4 महीने होने को आए। ओह, 4 महीना? हाँ। और अभी तक बात पक्की नहीं हुई? कहाँ हुई आंटी? रोजी, 4 महीने हो गए, अभी तक लड़के की मंशा नहीं मालूम कर सकी कि शादी करेगा या नहीं करेगा। लीला मिश्रा कहती थी कि एक फिल्म में मैं हीरोइन बनी, उसके बाद मैंने माँ के रोल निभाना शुरू कर दिए, और बाद में मैं करेक्टर रोल करने लगी। लेकिन असली शोहरत मिली मुझे 1975 में, जब सुपर हिट फिल्म आई शोले,
और उस फिल्म के साथ साथ मैं भी सुपरहिट हो गई। और इसकी वजह ये थी कि उस फिल्म में मैंने हेमा मालिनी की मौसी का रोल किया था और धर्मेंद्र जी ने बार बार मौसी जी कह के ऊपर टांकी पर चढ़ गए थे। मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, सब मुझे पहचानने लगे, वो देखो जा रही है मौसी मौसी मौसी। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। When I get police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की pissing. अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी। लीला आंटी के साथ मैंने बहुत काम किया, बचपन में भी और बड़े होने के बाद भी। एक दिन वो मुझसे कहने लगी, तबस्सुम, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, इसलिए तू मेरे घर आ, मैं अपने हाथों से खाना पका के तुझे खिलाऊंगी। लेकिन मुझे ये बता कि तू कच्ची रसोई खाएगी या पक्की। मैंने कहा, आंटी जी, मौसी जी, कच्ची रसोई कौन खाता है, मैं तो पक्की रसोई खाऊंगी। तो कह लगी, अरे तेरी माँ तो यूपी की है ना, उसने तुझे ये नहीं बताया कि कच्ची रसोई में और पक्की रसोई में क्या फ़र्क होता है। मैंने कहा, नहीं मौसी जी, मुझे नहीं बताया। तो कह लगी, मैं बताती हूँ, कच्ची रसोई का मतलब होता है वो रसोई जिसमें दाल चावल सब्जी और रोटी हो, एकदम हल्के फुलके खाने हो। और पक्की रसोई कहते हैं उसको जिसमें खीर पूरी हलवा और कचौरी हो। अब बता कि तू क्या खाएगी। मैंने कहा, मौसी जी, आप जो मुझे खिलाएंगी वो सब मैं खाऊंगी। अल्लाह, आई दीनत बिटिया, तुम्हारी मत मारी गई है, अल्लाह ना करे कहीं सर्दी समा गई तो जान के लाले पड़ जाएंगे। लीला आंटी खाने पीने की बहुत ज्यादा शौकीन थी, उन्हें हल्का फुल्का सादा खाना अच्छा नहीं लगता था, पक्की रसोई खाती थी, खीर पूरी कचौरी। तो जाहिर है वजन बढ़ना ही था, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, उनका वज़न बढ़ गया। ये तो सभी जानते हैं कि मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है। अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो ये दुनिया छोड़ के चली गई 17 जनवरी 1988 में। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।